अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। निशा बेगम का लजीज किचन में आपका स्वागत। चलिए आज हम कुछ फ्रूट का सामान लेके आए हैं, आपका सामने में बनाएंगे। इसी तरीका से आप भी बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। गर्मी का मौसम है, कुछ ठंडा खाने का मन करता है। तो ये देखिए, ये हम 100 ग्राम चीनी ले लिए हैं, एक बेदाना ले लिए हैं, उसको छुड़ा के हमने वॉश कर लिया है इस तरीका से। ये हम पिस्ता लिए हैं एक मुट्ठी, इसको हमने बारीक काट लिए हैं। ये काजू बादाम भी हमने एक मुट्ठा लिया है, इसको भी बारीक काट लिया है। ये कुछ बर्फ ले लिए हैं अपना फ्रिज में जमाया हुआ, इसको हम तोड़ लिए हैं। ये दूध लिए हैं, 1 किलो दूध लिए हैं हम, इसको हम फुटाए हैं, गर्म किए हैं, गर्म करके इसको हम ठंडा कर लिए हैं। तो ये देखिए, ये जो है हमारा आज का डिश, इसी को लेके होगा। ये ड्रैगन फ्रूट है, ये 4 पीस बाजार से लेके आए हैं हमारा हस्बैंड। तो आपका सामने में, हम अकेली नहीं खाए, बिना दिखाए आप लोग का सामने में पेश कर रही हूँ। पहले हम इसका ये मुंह काट देंगे, उसका बाद इसको हम बीच से इस तरीका से काट लेंगे। ये देखिए, इस तरीका से काट लेंगे। सारा हम इसी तरीका से काट के आपको दिखाते हैं। ये सारा हम काट लिए हैं। अब इसको बीच से थोड़ा हम इस तरीका से जीरा लगा देंगे, इस तरीका से। और इसको चाकू का जरिया इस तरीका से छुड़ा लीजिएगा। इसका छिलका भी पीस के जूस बनाया जाता है, फेंकिएगा नहीं। अगर कोई गाछ होगा तो गाछ का गुड़ा में भी दे दीजिएगा, बहुत प्रोटीन आएगा। तो देखिए, इस तरीका से हम काट के इसमें ऐड कर देंगे सारा। मेन चीज जो आपको दिखाना भूल गए थे, वो फ्रिज में छूट गया था, आइसक्रीम। ये कप वाला आइसक्रीम हम इसमें ऐड करेंगे, और ये कोन वाला हम बाद में ऐड करेंगे। आप चाहे तो कप वाला ही दो ले सकते हैं। तो ये देखिए, चीनी जो हमने लिया था 100 ग्राम, इसमें 100 ग्राम पूरा नहीं देंगे, दूध हम देंगे। ड्रैगन फ्रूट का ऊपर ये आइसक्रीम इसी में ऐड कर देंगे, पूरा एक आइसक्रीम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, हम दो ऐड करेंगे। ये जो बर्फ देखे थे, ये बर्फ भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये देखिए, ये हमने बना लिए। इस तरीका से होगा। अब इसको ग्लास में डालते हैं। इसमें थोड़ा सा हम पिस्ता देंगे, इस तरीके से थोड़ा सा हम बेदाना देंगे। आप चाहे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। इस तरीके से थोड़ा बेदाना हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा पिस्ता ऐड करेंगे, थोड़ा सा काजू ऐड करेंगे। इसको बढ़िया से थोड़ा चला लेंगे इस तरीके से। अब ये जो हम कोन वाला दिखाए थे आइसक्रीम, इसको खोल लेंगे। इसका जो ऊपर का हिस्सा है, वो ऊपर का हिस्सा हम ऐड करेंगे। बीच से हम चार टुकड़ा करेंगे। एक टुकड़ा करके हम ऊपर में देंगे।
तरीके से। देखिए ये ड्रैगन फ्रूट का हमारा जूस बन के रेडी हो गया है। सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। जिस तरीके से हमने दिखाया है उसी तरीके से बना के खाइए। ये गर्मी में बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीका से। आप चाहे तो काट के पीस का जरिए भी खा सकते हैं, लेकिन हम जिस तरीका से दिखाए हैं उसी तरीका से बना के खाइए। ये सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया डिश है। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और हाँ, हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं।